हाय फ्रेंड्स, सो मैंने सुना है कोई एक्सेंचर की एकदम दिल से बुराई कर रहा है, सो ये चीज मुझसे सहन नहीं हुई क्योंकि आई एम वेरी मच अटैच्ड टू एक्सेंचर। मैं पिछले 6.5 ईयर से एक्सेंचर के साथ काम कर रही हूँ। मैंने एज एन एसोसिएट ज्वाइन किया था। आई एम अ डेवलपर इन एक्सेंचर। और हाँ, इसके साथ मैंने अपनी पर्सनल लाइफ भी साथ साथ में करी। जैसे मैंने एक्सेंचर ज्वाइन किया था, मेरी शादी हुई थी और अब तक मेरे 2 बच्चे भी हो चुके हैं। सो आई हैव मैनेज माई करियर एंड माई पर्सनल लाइफ विद द हेल्प ऑफ एक्सेंचर वेरी नाइसली। सो जो बुराई कर रहा है उसे एक्सेंचर की सच्चाई बताते हैं। कल्चर ऑफ एक्सेंचर, मैं ये बताना चाहता हूँ कि एक्सेंचर का वर्क एनवायरनमेंट कितना गंदा है, गंदे से भी कितना गंदा है। एंड जो लोग गूगल और यूट्यूब प्रोजेक्ट्स में काम करे हैं। पॉइंट्स टू बी नोटेड, सो ही इज मेंशनिंग अ पर्टिकुलर प्रोजेक्ट। तो इनका ये एक्सपीरियंस प्रोजेक्ट के रिलेटेड है, नॉट की कंपनी के रिलेटेड। सो इनके रिव्यूज भी प्रोजेक्ट के हिसाब से लेने चाहिए, कंपनी के हिसाब से नहीं। आगे और एक इंसिडेंट और बताता हूँ, 3 साल पहले हुआ था। मेरी एक कलीग थी जिसने जस्टिन बीबर के चैनल पे मिस्टेक करती थी, उसको 2 घंटा गालियां दी, खून के आंसू रुलाए गए उसको और पोस्ट रिजाइन करने दिया। तो क्या लग रही है, बिकॉज़ इफ अ एम्प्लॉई इज डूइंग सम मिस्टेक, उसे मिस्टेक हुई तो ही गेट्स स्कोल्डेड, लाइक उसे डांट पड़ेगी मैनेजर से, टीचर से। सो दैट इज नॉर्मल ना। एक के बाद वाले दोनों स्टेटमेंट वो एकदम ही, मतलब मुझे तो अजीब सा लग रहा है सुन के भी, के खून के आंसू रुलाए, दैट इज नॉट पॉसिबल। ऑफ कोर्स इट्स अ हाइपोथेटिकल थिंग। एंड द सेकंड ही सेइंग उसे मजबूर कर दिया रिजाइन करने में। हाउ इज दैट पॉसिबल, एक गलती पे कंपनी रिजाइन करने पे मजबूर कर देती है। दैट इज नॉट एट ऑल ट्रू, ऐसा हो ही नहीं सकता। ये कंपनी बहुत दावे करती है कि हमारे पास गुड एंटी बुलिंग पॉलिसीज हैं, एंटी हैरेसमेंट पॉलिसीज हैं, बट लेट मी टेल यू गाइस, ये सब फर्जी है, बकवास है। ये पॉलिसीज पेपर में अच्छी लगती हैं। कंप्लीट लाइ। हाँ, एक्सेंचर ये सच है कि एक्सेंचर में बहुत सारी पॉलिसीज है, बट ये ऑन पेपर ही है सिर्फ, सो ये सच नहीं है। बिकॉज मैंने एक्सेंचर की काफी सारी पॉलिसीज यूज किया है। ये पॉलिसीज यूज करने के लिए डजंट मैटर आप किस प्रोजेक्ट में काम कर रहे हो, आप किस लेवल पे हो, ये भी मैटर नहीं करता कि आप एसोसिएट हो या मैनेजर, बिल्कुल फर्क नहीं है एक्सेंचर में उस चीज के लिए। तो आप पॉलिसीज आराम से यूज कर सकते हैं। यू जस्ट नीड टू इन्फॉर्म योर सीनियर्स कि आई एम यूजिंग सो एंड सो पॉलिसीज। नोबडी गोइंग टू टेल यू नो टू यूज दैट, बिकॉज दैट इज नॉट अलाउड। जो एक्सेंचर की पॉलिसी हम मजे से यूज कर सकते हैं एकदम बिंदास होकर, कोई मना नहीं कर सकता उसके लिए। फॉर एग्जाम्पल, मैट लीव जाने से पहले मैंने एक्सेंचर से मेडिकल कैब ली थी, पर्सनल मेडिकल कैब जो मुझे घर तक ड्रॉप करती थी, घर से पिकअप करती थी एक्सेंचर तक। सो ये भी एक्सेंचर की पॉलिसी में इन्वॉल्व है। व्हेन यू आर प्रेग्नेंट दे हेल्प यू आउट आफ्टर माय मैट लीव भी। सुनिए, मैं गई 7 मंथ्स पेड मैट लीव एंड 3 मंथ्स अनपेड मैट लीव। मैं दोनों बच्चों को 11 मंथ्स के लीव्स के बाद मैंने एक्सेंचर ज्वाइन किया है। सो वो भी मैंने अच्छे से अपने बच्चों का ख्याल रखे, फिर आई वॉज बैक टू वर्क। सो आई टेल यू, आफ्टर कमिंग बैक फ्रॉम मैट लीव, इट इज अलाउड फॉर एन वुमन टू टेक 1 आवर और टू वर्क 1 आवर लेस देन द अदर्स अंटिल योर बेबी इज 15 मंथ्स ओल्ड। सो मैंने ये पॉलिसी भी यूज़ की। हमारा प्रोजेक्ट जैसे ये मेंशन करे हैं, इनके प्रोजेक्ट में बहुत सारा काम है या बहुत जो भी था। सो इन आवर प्रोजेक्ट ऑल्सो इट वॉज अ वेरी रिनोव्ड कंपनी प्रोजेक्ट परफॉर्म, इट वॉज वेरी मच वर्क इन दैट प्रोजेक्ट टू बी डन, बट स्टिल मुझे किसी ने मना नहीं किया। यू कैनॉट लीव 1 आवर अर्ली, यू कैनॉट लीव फॉर योर पर्सनल रीजन्स, क्योंकि अगर मैं एक्सेंचर की कोई भी पॉलिसी यूज करती हूँ तो मुझे कोई ना नहीं बोल सकता इस बात के लिए वी आर यूजिंग। और इवन इफ सी एनीबडी सेज नो टू यूजिंग योर पॉलिसी, यू कैन एस्केलेट दैट थिंग एट द सेम पॉइंट एट द सेम टाइम, आपको उसके लिए भी कोई रोक नहीं सकता। अगर आपने एस्केलेट नहीं किया तो वो आपकी गलती है ना, नहीं कि कंपनी की। कंपनी तो अपनी तरफ से 100%। और बुलिंग और पता नहीं क्या ये डार्क रियलिटी जो बोल रहे हैं, ऐसे कौन कौन तुम्हें चिढ़ाने बैठे गए वहां पे, सब अच्छे खासे मेच्योर लोग हैं। सो ऐसा कुछ नहीं होता बुलिंग वाला थिंग। मैंने एक्सेंचर की 3 लोकेशन में बहुत सारी बिल्डिंग्स में काम किया है, मतलब सिटीज 3 डिफरेंट सिटीज में। सो फ्रॉम माई एक्सपीरियंस मुझे कभी किसी ने कोई बुली नहीं किया या कुछ ऐसा कुछ नहीं हुआ। सो ऐसा कुछ नहीं होता है एक्सेंचर में। आगे सुनते हैं इनका सच और झूठ। चलो मैं अब अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ एक्सेंचर के साथ। और ये कंपनी मतलब दावे बहुत बड़े बड़े करती है कि हम एम्प्लॉई को बहुत इज्जत देते हैं, काम की रिस्पेक्ट देते हैं, अगर कुछ गलत हुए आवाज़ उठाओ, सब बातें बकवास है भाई। आवाज़ उठाते हो निकाल दिया जाता है और आपको गालियाँ सुनाई जाती हैं इस चीज़ के लिए। ये निकाल दिया जाता है, ये बोल रहे हैं अगर आप कोई पॉइंट एस्केलेट कर रहे हो तो आपको निकाल दिया जाता है। ऐसा बिल्कुल नहीं होता, इतनी सी बात पे आपको कोई निकाल नहीं सकता। और निकालने के लिए उनके पास वैलिड प्रूफ होना चाहिए। यहाँ पे कोई एक स्टार्टअप तो है नहीं कि एक जने ऊपर बैठा है, हाँ उसका जो डिसीजन है मैनेजर का टीम लीड का वो आपको निकाल देगा, ऐसा नहीं हो सकता ना। यहाँ बहुत सारी लेयर्स है और कोई भी इतना बड़ा डिसीजन एक एम्प्लॉय को ले ऑफ करना है निकालना एक बंदा नहीं ले सकता। तो इस पे बहुत सारे फैक्टर डिपेंड करते हैं। तो आपने अगर किसी को एस्केलेट किया है कोई पॉइंट को और आपको निकाल दिया, दिस इज
दिस इज नॉट एट ऑल ट्रू गाइस, दिस इज नॉट इवन पॉसिबल इन एक्सेंचर, नॉट एट ऑल। आगे सुनते हैं। मैंने 3.5 साल काम किया है तो मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ। चलो मैं अब अपनी जर्नी की शुरुआत। 3.5 साल में ये मुझसे ज्यादा अच्छे से नहीं जान सकती क्योंकि मैंने 6.5 साल काम किया एक्सेंचर और अभी भी कर रही हूँ एंड आई हैप्पी टू वर्क विद एक्सेंचर। करता हूँ। मैंने एक्सेंचर 2020 में ज्वाइन किया था कोविड-19 पैंडेमिक के टाइम। उस समय वर्क फ्रॉम होम पे सब शिफ्ट हो गए थे तो एक्सेंचर भी वर्क फ्रॉम होम में शिफ्ट हो गई थी और मेरा प्रोजेक्ट था यूट्यूब कंटेंट मॉडरेशन प्रोजेक्ट के लिए मेरे को हायर किया गया था। मैं तो पहले शुरू में तो मैं बहुत खुश था, एक्सेंचर है, ड्रीम कम ट्रू हुआ है कि इतनी बड़ी एमएनसी में मिला है और इतने रिनाउंड प्रोजेक्ट में मिला है, मतलब मेरे को लगा मेरे सारे सपने पूरे हो गए। और शुरुआत के 5-6 महीने तो सही थे, बट जैसे जैसे टाइम बीतता गया वर्क प्लेस एटमॉस्फेयर की सारी गंदगी मेरे को समझ आने लगी। टाइम बीतता गया नहीं, स्टार्टिंग में अच्छा था क्योंकि काम कम था, जैसे जैसे टाइम बीतने लगा तो काम ज्यादा आ गया प्रोजेक्ट में। ऑफकोर्स किसी ने हमें प्रोजेक्ट के काम दिया है तो क्योंकि उसमें काम है इसलिए हमें दिया गया है। सो मेरे को लगता है इनको तब प्रॉब्लम हुई है जब काम आ गया प्रोजेक्ट में। ओके, कितनी पॉलिटिक्स होती थी, कितना मतलब अब्यूज ऑफ पावर चलता था। पॉइंट टू बी नोटेड, एक्सेंचर में पॉलिटिक्स बिल्कुल नहीं होती। मैंने सुना है बहुत सारी कंपनी से जो मेरे फ्रेंड्स आते हैं दूसरी कंपनी से यहाँ, तो हाँ कि बाकी कंपनियों में बहुत सारी पॉलिटिक्स है, एक पर्सन दूसरे पर्सन को गिराने के लिए उसकी बुराई करता है, मैनेजर को कुछ और दिखाता है, पता नहीं क्या क्या। बट बीइंग इन एक्सेंचर फ्रॉम स्टार्टिंग, मैं ये सब ना तो मुझे आता है ना मैंने कभी देखा है, ऐसा कुछ नहीं होता यहाँ पे, क्योंकि आपका प्रमोशन हो, आपका हाइक हो, ये सब चीज़ें बहुत सारे फैक्टर पे डिपेंड करती है। कोई एक पर्सन इस चीज़ का बिल्कुल डिसीजन नहीं ले सकता कि आपके साथ क्या होगा या क्या नहीं। मैं ऐसा इंसिडेंट हाईलाइट करूंगा जिसको देख के, शी वाज आल्सो अ टॉक्सिक अब्यूसिव टीम लीड, उसको लोगों ने गैलप सर्वे पे बहुत पुअर रेटिंग दे दी थी बिकॉज ऑफ अ टॉक्सिक एंड अब्यूसिव लीडरशिप। सबको कॉल पे गालियां दी कि दैट हाउ डेयर यू, तुम जैसे दो कौड़ी के कीड़े मकोड़ों ने मेरे को क्रिटिसाइज, मेरी अब्यूसिव लीडरशिप को क्रिटिसाइज है। ये बोल रहे कॉल पे लिए इतने सारे लोगों को और सुना यार गालियां दी और ऐसा सब का, सो वो भी तो दिमाग तो कैरी करती होगी ना, कोई भी प्रूफ कैरी कर सकता है और एस्केलेट कर सकता है और एक्सटेंशन में एस्केलेशन इज फॉर रियल, तो वो होता है एंड पीपल गेट पनिश्ड फॉर दैट। सो दिस इज शी कैनॉट डू दैट इवन, और कीड़े मकोड़े हैं, शी कैनॉट टेल एनालिस्ट एंड कीड़े मकोड़ो बिकॉज शी हैज जस्ट सेकेंड लेवल अप देन एनालिस्ट। ओके, सो 3 प्रमोशन के बाद यू बिकम अ टीम लीड, सो इट्स नॉट पॉसिबल हाँ कि वो तुम्हें सीधा कीड़े मकोड़े समझने लग जाए। शी इज नॉट ओनिंग द कंपनी बॉस। ओके, कि समझते क्या हो और ऐसे ऐसे वर्ड्स बोले, आई विल ब्लडी थ्रो पेपर्स ऑन योर फेस, और ये सब भी बोला जिंदगी नरक बना दूंगी, नरक से भी बदतर बना दूंगी जो तुमने मेरे साथ किया है। तुम होते कौन हो साले दो कौड़ी के कीड़े मकोड़े, मेरे को क्रिटिसाइज करने वाले, मेरी अब्यूसिव लीडरशिप को क्रिटिसाइज करने वाले। एक्चुअली मैं उसको अपनी टॉक्सिक और अब्यूसिव लीडरशिप पे बहुत गर्व था, उसने सारे प्रमोशन इसी वजह से पाए थे। और ये एक टीएल की बात नहीं है, एक्सेंचर में मोस्टली टीएल्स जो है उनके पास कोई नॉलेज नहीं है, कोई स्किल नहीं है, सबने अपना सब आगे प्रमोशंस पाए हैं, सक्सेस पाई है उन्होंने पावर का मिसयूज करके, पोजीशन का मिसयूज करके, लोगों को एक्सप्लॉइट करके और लोगों को डरा के धमका के और लोगों को मेंटली टॉर्चर और हैरास करके, एम्प्लॉई की जिंदगियां बर्बाद करके पावर और पोजीशन मिली है बाय बीइंग अ लीड। उससे पहले तो वर्किंग थे, सो वो कैसे एक्सप्लॉइट कर सकते, कैसे यूज करते और बिना नॉलेज कंपनी आगे कैसे जा रही है इफ उस कंपनी के एम्प्लॉयज को नॉलेज ही नहीं है, एक्सपीरियंस ही नहीं है इसके। अगर इतना आसान है एक्सेंचर में आना तो पीपल इंटरव्यू करके, इंटरव्यू दे के देख लो, एक्सटेंशन में ज्वाइन करना इतना मुश्किल है। आप ऐसे बिना कोई नॉलेज, बिना एक्सपीरियंस आप ज्वाइन भी नहीं कर सकते एक्सटेंशन में। इट्स वेरी टफ टू गेट इन एक्सटेंशन, राइट? सो जैसे बोले बिना नॉलेज के लोग वहाँ बैठे हैं तो एक्सटेंशन कंपनी कैन नॉट गेट सक्सेस विदाउट द पीपल, गुड पीपल, राइट? और लोगों को डरा के धमका के और लोगों को मेंटली टॉर्चर और हैरास करके, एम्प्लॉई की जिंदगियां बर्बाद करके इन लोगों ने अपना कॉर्पोरेट लैडर की ऊंचाइयां पाई हैं। सो इन लोगों के पास जो भी सक्सेस है ना, दैट्स क्लियर कट फेक एंड टॉक्सिक। एंड टीएल्स और मैनेजर्स, एक शब्द में बोलूँ, ऐसी हरकतें मैं बता चुका हूँ दैट दे आर नॉट इवन वर्थ कॉलिंग टीएल्स एंड मैनेजर्स। इन वन वर्ड आई शुड कॉल देम रोड साइड छपरी पीपल। एक्सेंचर हायर्स रोड साइड छपरी पीपल, स्पेशली इन द यूट्यूब प्रोजेक्ट, क्योंकि ओके दिस प्रूव्स आप जैसे होते हो आपको दुनिया भी वैसी नजर आती है। सो दिस पर्सन हैज डोंट हैव अ गुड लैंग्वेज टू स्पीक अप, सो इन्हें लगता है सामने वाला भी इनके साथ उसी तरीके से या वैसे ही बात कर रहा है। बट नो 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 नॉट एट ऑल, आप जैसे हो वैसे आपको दुनिया नजर आ रही है। आई टेल यू के टीएल्स और मैनेजर्स यहाँ के बहुत अच्छे हैं, बहुत अंडरस्टैंडिंग है, कभी जहाँ अच्छे लोग हैं वहाँ बुरे लोग भी। हाँ, आपका सामना कोई बुरे से हो गया होगा, बट इफ यू आर फेसिंग एनी काइंड ऑफ मेंटल प्रेशर, मेंटल हैरेसमेंट, यू कैन पॉइंट आउट दैट at any point and there are so many sources to point out or to escalate that thing, you can use any of those na, but you didn't use that, that's your fault, kyunki ye log in company ko profit nikal ke dete na, employee ki jeevan kharab karke, jindagi kharab karke ye logo ko profits nikal ke dete hain, isliye unko bahut obsession hai, bahut pyar hai Accenture ko aise toxic aur abusive leaders se,
और आप इनके खिलाफ कंप्लेन आवाज़ नहीं कर सकते। अगर आपने आवाज़ उठाई कुछ भी करी, एक्सपीरियंस लेटर खराब कर दिया जाएगा और निकाल दिया जाएगा, डिसिप्लिनरी एक्शन लिया जाएगा। सब इनसे यहाँ डर के रहते थे। ये मैं बहुत बड़ी रियलिटी खोल रहा हूँ एक्सेंचर कंपनी की। ये सब चीज़ें जो मैं बता रहा हूँ शायद आपको कोई नहीं बताएगा कि ये हाल है बड़ी बड़ी कंपनियों की, एमएनसी कंपनी की। बातें बड़ी करती हैं, हम इम्प्लॉय को इज्जत देते हैं, हम इम्प्लॉय को सम्मान करते हैं, कुछ गलत हो आवाज उठाओ, सब साले बातें बकवास है। डरने की कोई जरूरत नहीं होती एक्सटेंशन में, क्योंकि कोई भी एक चीज किसी एक के हाथ में नहीं होती। हाँ, अगर आप कोई चीज एस्केलेट कर रहे हो, पॉइंट आउट कर रहे हो, तो आपके साथ मल्टीपल कॉल्स होंगे, वो लोग आपसे जानेंगे कि क्या ये सच में इशू है। जिस बंदे को ये पॉइंट आउट कर रहा है वो सच में गलत है, हो सकता है वो ना हो, राइट? सो ये उनके साथ कॉल लेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे और इनके साथ और लोगों की भी राय लेंगे कि हाँ ऐसा सब सबके साथ हो रहा है क्या। वो सब इन्वेस्टिगेशन होती है ऑफकोर्स। सो बट आपको उसके लिए बोलना तो पड़ता है, डरने की कोई जरूरत है ही नहीं। अगर आप सच में कोई चीज फेस कर रहे हो तो यू कैन स्विच द प्रोजेक्ट ना विद अ वैलिड रीजन। सो दैट्स योर फॉल्ट इफ यू आर नॉट हाईलाइटिंग दोज थिंग्स, इफ यू आर नॉट एस्केलेटिंग दोज थिंग्स। ऐसा नहीं है सब बुरे नहीं होते, और ये प्रोजेक्ट स्पेसिफिक बोल रहे हैं तो प्रोजेक्ट में तो काम, अगर आपको भाई काम नहीं करना, आपको कम काम चाहिए, आराम से रहना है, तो आप सरकारी नौकरी कीजिए, क्योंकि प्राइवेट में तो काम होगा ही ना, उसके ही हमें इतने पैसे मिलते हैं। सेकेंडली, अब आपसे किस लोगों को एक्सपेक्टेशंस होती है, वो आपको एक्सपेक्टेशंस पूरी करनी पड़ती है। अगर आप वेल परफॉर्मिंग हो, अच्छे से परफॉर्म कर रहे हो, तो साल में 3 बार भी हाइक मिलते हैं। हाँ, यू कैन अभी रिसेशन पीरियड को आप थोड़ा ये कर सकते हो, बिकॉज ओके हाँ उसमें इतना ज़्यादा लोगों को ग्रोथ नहीं मिल रही, बट इट्स नॉट अबाउट द एक्सटेंशन, इट्स लाइक द बिजनेस, राइट? तो बाकी एज वेयर यू कैन से लाइक इफ यू आर परफॉर्मिंग वेरी गुड, सो आपको कोई आगे बढ़ने से रोक नहीं सकता एक्सटेंशन में, आपको उसके लिए काम करना पड़ेगा। हाँ, ये काम आपकी मेंटल प्रेशर या पर्सनल लाइफ को रोंद के या उसके ऊपर चढ़ के बिल्कुल करने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि आपको उन सब चीजों के लिए भी बहुत अच्छे से टाइम मिलता है। पर आपको बोलना जरूरी है, इफ यू आर फेसिंग सम पर्सन विच इज नॉट गुड और विच इज नॉट राइट, यू नीड टू एस्केलेट इट। 3.5 साल काम करने के बाद मुझे यही समझ आया, ये वाकई रद्दी सड़क छाप घटिया कंपनी है एक्सेंचर। सो दिस इज द हार्डकोर रियलिटी व्हाट आई टोल्ड। बनना नहीं चाहता, सब शॉर्टकट मार के पावर पोजीशन का मिसयूज करके आगे बढ़ना चाहते। अगर 3.5 साल बाद काम करने के बाद आपको ये समझ आ रहा है तो आपकी समझ गलत है, क्योंकि ऐसा नहीं होता। आपको थोड़ा और काम करना चाहिए था, दूसरे और प्रोजेक्ट को ट्राई करना चाहिए था, तब आपको समझ में आता कि सब एक जैसे नहीं है और ये आपकी गलती है कि आपने उसको हाईलाइट या एस्केलेट नहीं किया। मैंने तो ऐसे ऐसे केसेस देते, लोग पावर पोजीशन फेवरेटिज्म एलिस बना के दुनिया में कहां-कहां पहुंच गए भाई। प्लीज डोंट कॉल हिम सड़क छाप और घटिया कंपनी, बिकॉज इट इज़ नॉट। ये बहुत ही पॉश, बहुत ही हाई कंपनी है, एम्प्लॉयज के बारे में बहुत अच्छा सोचती है। इफ़ यू आर मैरिड एंड वर्किंग वूमेन एंड इफ़ यू आर लाइक हैविंग अ फैमिली, तो आपकी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को बैलेंस करने के लिए भी इसके पास बहुत सारी पॉलिसीज है। सो मतलब आई एम यूजिंग ऑल ऑफ दोज पॉलिसीज मोस्टली एंड नोबडी इज टेलिंग मी नो। मैंने 5 प्रोजेक्ट, बड़े बड़े प्रोजेक्ट में भी बहुत सारा काम हो जिसमें काम किया है। सो हाँ, आपको अपना 100% तो देना होगा, बट दिस इज द बेस्ट कंपनी टू वर्क ऑन, टू लर्न, टू मैनेज योर पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ टुगेदर। दिस इज द बेस्ट कंपनी, आई मस्ट से। गंदी सच्चाई है इस कंपनी के बारे में जो शायद बहुत लोग नहीं जानते, मैं और उन लोगों को भी अवेयर करना चाहता हूं। दिस इज नॉट एन हार्डकोर रियलिटी, दिस इज अ कंप्लीट फॉल्स एंड दिस इज ओनली अ पर्सपेक्टिव ऑफ दिस पर्सन, बिकॉज़ ही माइट हैव फेस्ड अ रॉन्ग पर्सन सो रॉन्ग एनवायरनमेंट, इट्स हिज फॉल्ट। ही कैन नॉट डिफेम एक्सेंचर ऑन दिस पॉइंट, क्योंकि एक्सेंचर कंपनी नहीं है, ये प्रोजेक्ट के बारे में बात कर रहे हैं। तो यहाँ पावर पोजीशन मैटर ही नहीं करता, आपने क्या काम किया है, कैसे काम किया है, आपने कैसे इनपुट दिया है, आपने हाउ यू टुक द थिंग्स अप, वो चीज ओनली एंड ओनली योर वर्क एंड योर थिंग्स मैटर्स व्हेन इट कम्स टू एन प्रमोशन। और ये किसी एक इंसान के हाथ में बिल्कुल नहीं होता, इट हैज मल्टीपल लेयर्स, वहां पॉलिटिक्स भी नहीं चलती। सो गाइस, दिस इज कंप्लीट फेक। बाद इतना मतलब अब्यूजिव वर्क कल्चर टॉलरेट करने के बाद मेरा एमएनसी और बड़ी कंपनी से भरोसा ही उठ गया भाई। मुझे लगता है आपकी ये फर्स्ट कंपनी है, दैट्स व्हाई आपके ये सारे रिव्यूज है। गो एंड वर्क इन सम अदर एमएनसीज और स्टार्ट विद सम स्टार्टअप। जैसे आप बोल रहे हो एमएनसी से मन उठ गया है, तो स्टार्टअप से स्टार्ट कीजिए, सो आपको पता चलेगा बाहरी दुनिया कैसी है। बिकॉज आप जब भी स्टार्टअप में काम करते हो तो बहुत सारा वर्कलोड होता है और एम्प्लॉयज कम होते हैं, प्रेशर और पूरा लोड आप पे होता है। आपको गाइड करने वाले भी कम होते हैं, आपको सिखाने वाले भी कम होते हैं और आपको समझाने वाले भी कम ही होते हैं, उल्टा डांटने वाले ज्यादा होते हैं। तो मेरे एक्सपीरियंस से, मैंने जितना देखा है उस हिसाब से, इफ यू वर्क इन अदर एमएनसीज और एनी अदर स्टार्टअप, सो आपको इससे ज्यादा ही काम करना पड़ेगा, इससे कम नहीं।